माता सरस्वती, विद्या की देवी, कला की देवी, कोई भी कला हो उसमें सरस्वती माता के आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। हर एक कलाकार के अंदर सरस्वती माता विराजमान है, तो उनकी ब्लेसिंग्स हम पे हमेशा बनी रहती है। और इस सरस्वती पूजन को हम सबको सरस्वती माता से ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, ये मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया पेंटिंग सरस्वती माता का, जो कि बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिए है बहुत ही सस्ते वाले वाटर कलर्स, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ में मिले थे मुझे। बट इसका पैकेज जो है वो बहुत क्यूट लगा मुझे, इसलिए मैंने इनको ख़रीदा और सोचा मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। तो इनका जो रिज़ल्ट था वो एक्चुअली थोड़ा सा बहुत चौकी था, मतलब सूखने के बाद आपके जो हैंड होते हैं उसमें चौक जैसा लगता है ये, और क्वालिटी वाइज उतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। बट स्टिल अगर आपको छोटा मोटा ऐसा ड्राइंग बनाना हो, DIY बनाना हो, तो फिर आप ये कलर्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो कलर्स के पैक में मुझे एक छोटा सा ब्रश मिला था, बट उससे ड्राइंग बनाना इम्पॉसिबल था बिकॉज बहुत ही छोटा था वो। ये एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए कलर है, सो दैट वो कलर को एक्सप्लोर करे और इन्जॉय करे। एज एन आर्टिस्ट इट्स नॉट सुटेबल, सो जो छोटा वाला ब्रश था उसे आर्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा ब्रश पेन यूज़ किया है। और इसकी हेल्प से मैं अभी सभी जगह पे बिल्कुल नीटली कलरिंग कर रही हूँ। ज़्यादा मैंने यहाँ पे शेडिंग वगैरह नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ज़्यादा रियलिज्म पे नहीं वर्क करना था। अभी मुझे सिर्फ एक एनिमेशन टाइप ड्राइंग बनाना था, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपली इस ड्राइंग को बनाया। वैसे मैंने सरस्वती माता का और एक ड्राइंग बनाया है, ये वाला। वैसे अभी तक मैंने इसको कलर नहीं किया है, बट कलर करने वाली हूँ। इसका आउटलाइन वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आपको वो सीखना है तो आप ज़रूर देखना ये वीडियो। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इसमें कि आप किस तरीके से आउटलाइन बना सकते हो, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। सो आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग का प्रोसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कलरिंग। और अब हम जो है डिफाइन करेंगे इस ड्राइंग को और ज़्यादा। तो अभी मैंने वाटर को कलर किया और अब मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन पेन, अगर आपके पास नहीं है ब्राउन शेड तो आप ब्लैक शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ ड्राइंग का, सो दैट हमारा ड्राइंग और ज़्यादा डिफाइंड लगे और अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो तो पूरे का पूरा वाटर कलर से ही आउटलाइन वगैरह बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट जरूर करना, बिकॉज दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मुझे मेरा गोल है, मेरे सपने हैं कि मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़े, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँगी। सो इसलिए मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई आपका दोस्त वगैरह कोई है, या कोई छोटे भाई बहन है, अगर उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो उनको ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।